तो अभी देवी का स्वरूप बताने जा रहे हैं। पहले चक्र रूप बता दिया, उसका मातृका रूप बता दिया, और उसके स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं अधिष्ठाये इत्यादि के रुद्रार्ध से। अधिष्ठाये थी ये नाम सांप्रतम उपदिष्टाम त्रिबिंदु रूपाम त्रिपुराम अधिष्ठाय। ये जो वर्तमान उपदिष्ट त्रिबिंदु रूपा त्रिपुरा है उसको अधिष्ठित करके काची दस्ति देवता, कोई देवता है। अस्थि का ध्यान करना पड़ेगा, श्लोक मले नहीं है। अस्थिर भवंती परा प्रथम पुरुषो अप्रयुज्य मानोप्यस्थिति कात्यान वचनाद अस्थिर अध्याहार। अस्थिर भवंती परा प्रथम पुरुषो अप्रयुज्य मानोप्यस्थि, ऐसे कात्यान का वार्तिक है। इस वार्तिक के आधार पर अस्थि का अध्याहार कर लिया गया। उत्तर मंत्र से क्रिया वा लेपो अन्वया, अतः उत्तर मंत्र क्रिया के साथ जोड़ दो, क्योंकि दोनों मंत्र एक मंत्र है। मिला करके देवी का शक्ति का स्वरूप वर्णन करने के लिए पहला और दूसरा दोनों मंत्र है। दूसरे मंत्र में क्रियापद ही है, इसे उसके साथ इस जोड़ने इसके लेप या लेना, लेकिन को लेप आदेश कर अधिष्ठाय। सा देवता, ऐसी जो देवता है कौन है वो और कैसी है, तो देवता का नाम बता दिया, तो ऐसे त्रिपुरा है, त्रिपुर को अधिष्ठित होकर रहने वाले का नाम त्रिपुरा। और कैसी है वो जरा है मरण रहिता जरीश वयोहान इत्यत्र हानि पदेन आयुषो नाशस्य खतरनाथ। हानि पद आयु का समाप्ति का कथन वाले से जरा का मतलब हो गया आयु का नाश होना। वह नहीं है जिसमें पुराणी मैंने अनादि ही जन्म रहित है, मृत्यु रहित है और जन्म रहित है। आदि अंत दोनों विकार निषेध हो गया, बीच का चारों विकार भी निषेध हो गया, समझो। देवता नाम ब्रह्म विश्व शिवाजी नाम अप्रति अति प्रसिद्धा नाम मध्य महत्तरा। जो देवता है ब्रह्मा विष्णु शिवादि जो अति प्रसिद्ध है, उनमें भी यह देवी कैसी है महत्तरा सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि तासाम देवता नाम यो महिमा तद्रूपा। उन देवताओं में जो महिमा है जिसकी वजह से आप उनको अति प्रसिद्ध मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं, उनके अंदर जो महिमा है जिसकी वजह से उनको श्रेष्ठ पूज्य माना जा रहा है, वह तो महिमा ही ये देवी की कृपा है। देवतांतराणाम महात्म्यस्यापि एषा एव निदानम, कि देवतांतरों के भी महात्म्य के प्रति यही मुख्य कारण है कि शक्ति गायब हो जाए वह मुर्दा हो जाएगा। बड़ा सा बड़ा देवता क्यों ना हो, कोई काम का नहीं रह जाता शक्ति के बिना। तो शंकराचार्य के साथ भी माया ने खेल रची ना, जी भाई मिथ्या मिथ्या कहते हो, माया मिथ्या सब मिथ्या है, शक्ति मिथ्या है, ठीक है देखते हैं। उनको दस्त लगा दिया खूनी दस्त और शक्ति पूरा छीन ली, और क्या करें, कोई लोटा उठाने वाला भी नहीं, पानी देने वाला नहीं। उस ऐसी स्थिति में कर गए, जब सब शिष्य लोग बाहर दूर गए भेजे थे अकेले, क्योंकि कुमारी के रूप में आई, फिर लोटा लाई वहां रख दी दूरी में, हेलो सब समझ गए, तो सिद्ध तो थे ही, उन्हें समझे तो साक्षात देवी इस तरह से हमारा साथ खेल खेल रही है। तब उन्होंने जब माया पंचकम लिख दिया, उसी समय स्तोत्र बना स्तुति कर दिया, माया खुश हो गई। सिद्धांत हृदय का व्यवहार है, अरे लोटा लेने का व्यवहार है, पागल है क्या, युक्ति नहीं सच्चाई है, व्यवहार स्थिति व्यवहार ही तो है, सिद्धांत में तो है ही है। सिद्धांत ये नहीं कह रहे व्यवहार में स्थिति मत करो, ये कहा होगा, सिद्धांत कहता है व्यवहार मिथ्या है तो वो स्थिति भी मिथ्या है। उसकी निंदा किया था माया मिथ्या करके, वो भी तो मिथ्या ही है, वो कहा सकती है। यही उसको तुरंत पूरा समझाया, हे देवी जो आप समझ रही हैं वो सिद्धांत क्या है, जो देवी है वही ब्रह्म है, ब्रह्म और देवी तो भिन्न तो है नहीं, यदि भेद मानती है मिथ्या है वो तो सिद्धांत है ही है। स्तुति भी इसलिए मिथ्यांत में कहते स्तुति भी माया ही है, ये स्तुति भी एक माया ही है। तो अब कह रही थी देवी देव पहुंचा परीक्षा के लेना आप ऐसे ब्रह्मनिष्ठ का, फिर तुरंत अपनी जो छोटी विद्या अध्यारोप दूर कर दिया। ये
स्थिति की परीक्षा लेने के लिए होता है सब लीलाएं होती है। वो भी समझ रहे तो खेल खेल रही है, वही थोड़े कह रहे हैं कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है कुछ हुआ। माँ बेटे से खेल रही है, व्यवहार है। देवी जो साक्षात जो है परीक्षा लेने आई, उसमें देवी की भ्रम थी ना, देवी का अपना अहंकार है कि मुझे मिठा कह दिया, यही बोध कराया शंकराचार्य ने। आप अभिमान छोड़िए कि मैंने आपको मिथ्या कहा है, आप तो ब्रह्म साक्षात, हम ब्रह्म को तो मिथ्या नहीं कह रहे, हम ब्रह्म को मिथ्या नहीं कह रहे, आप साक्षात ब्रह्म है, तो ब्रह्म का मिथ्या, आप मिथ्या कहा हुआ है। हाँ जब विशिष्ट रूप में मान रहे तो व्यवहार है तो मिथ्या ही नहीं, स्तुति भी जो मैं कर रहा हूँ ये भी मिथ्या ही कर रहा हूँ। और देवी को भ्रम तो बारंबार होते रहता है, इस तरह शिव जी ने कितने बार समझाता है देवी को, राम जी को देखिए भ्रमित हो गई, परीक्षा लेने पहुंच गई, क्या क्या नहीं हुआ देवी की लीला। ये परिच्छिन्नता तो परिच्छिन्नता ही है, चाहे देवी हो चाहे देव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एतद् उपासना यही वा तेषां महिमा लाभ इति भाव, एतद् उपासना यही वा, इसी देवी की उपासना के द्वारा ही वे विष्णु इंद्र आदि सभियों ने भी महिमा को लाभ प्राप्त किए। त्रिपुरोपनिषदि तत्त्व अनुयायी पुराण तंत्रादिषु च शिव विष्णुवादि उपासितानां विद्यानां बहुश प्रदर्शना, क्योंकि और यह बात इस त्रिपुरोपनिषद में भी है। तत्त्व अनुयायी पुराण तंत्रादिषु च शिव विष्णुवादि उपासितानां, शिव विष्णुवादि उपासित विभिन्न विद्याओं का बहुत बहुश प्रदर्शनात् बहुत जगह बताया गया है। शंभु पूजयते देवीं मंत्र शक्ति मयी शुभां, जैसे दृष्टांत दिया, शंभु मंत्र शक्ति मयी व शुभ देवी का पूजा करते हैं इत्यादिना निकल दिव पूजनीयानां प्रतिमा भेदानां पाद पुराण विस्तरेण कथनाच्छ, निखिल देवों के द्वारा पूजनीय देवी का प्रतिमागत भेद, देवी का भी स्थूल रूप का अनेक भेद है, अलग अलग ऋषि अलग अलग देवताओं ने अलग अलग देवी का जो है पूजा की और महिमा को प्राप्त किया है, इस बात को पद्म पुराण में विस्तार रूप कथन किया गया है। तथा च नहीं भिक्षुको भिक्षुकांतरम याचितुमर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके न्यायेन, एक न्याय भी है लोक में, एक भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से थोड़ा मांगेगा, भिक्षुक जो मांगता है वो अभिक्षुक से ही मांगेगा, मैंने सकल देवताओं ने देवी से मांगा का मतलब क्या, ये सब देवी छोटे मोटे देवी देवता जितने भी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सहित भी ये सब क्या है भिक्षुक है। और जो परादेवी पराशक्ति चिच्छक्ति वो अभिक्षुक है, वही कह रहे न्याय है, नहीं भिक्षुको भिक्षुकांतरम याच तुमरति, एक भिक्षुक दूसरे भिक्षु से मांगने योग्य नहीं है, सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके, दूसरा अभिक्षुक रहते हुए एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को मांगना उचित नहीं होता। हाँ अभिक्षुक नहीं है, कोई भी दाता ही नहीं है, सब भिक्ष मंगे ही हैं आपस में, तो क्या करें, आपस जिसके पास जो आपस मिलजुल के खाए मांग करके क्या करते, यानी एक भी अभिक्षुक सामने दिख रहा हो फिर सारे भिक्षु उसके पीछे टूट पड़ जाएंगे, हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो, और आपस नहीं मांगेंगे फिर सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, यही होता ही है वृंदावन में, देख लो कहीं भी देख लो मांगने वालों की लाइन लगी, यहाँ भी राम जला जाओ लक्ष्मण जला जाओ कितने बैठे, उन्हें पता है आप भिक्षुक घूम रहे हैं यहाँ पर और हम भिक्षुक हैं, हमें तो मांगना है इन्होंने देना है, न्याय है। इन्हें देवतांतर उपास्य अपेक्षा उपास्य अपेक्षा, देवतांतर की उपास्य की अपेक्षा से परदेवता उपास्य रेव चैसी, पर देवता की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है, यही इन कथाओं के द्वारा ध्वन्यो अर्थ ध्वनित अर्थ है समझो, तेदम अस्माभिरुक्तम परशिवस्तव, इसी बात को परशिवस्तव नाम का कोई ग्रंथ इन्होंने बनाया उसमें इन्होंने स्वयं अस्माभिर मैंने स्वयं के द्वारा भास्कर राय के द्वारा ही लिखा हुआ है। तैश्वर्य भाज परम शिव कथंकार मन्यान सुरेन्द्रान याचे देही तिशक्र द्रोण हरि मुखान भिक्षुकान भिक्षुको अहम,
अग्योपि द्वादशाः कृत विकृति शतस्यांग भूतोपि चोख्यो ज्योतिष्टोम्यक् धर्मान् अभिलषति न तु द्वादशाख्य धर्मान्। कहे तद्दत्तैश्वर्य भाज परमशिवा, आपके द्वारा दिया हुआ ऐश्वर्य का ही भोग रहा है परमशिव भी, तो कथं कारम अन्यान सुरेंद्रान, और बताओ ये सुरेंद्र है देवतारा का राजा इंद्रादि के बारे में कहना ही क्या है। जब परमशिव भी आपके द्वारा दिए हुए ऐश्वर्य को भोग रहे हैं, इंद्रादियों के बारे में तो कहना ही क्या, कर्म तो न्याय बोल दिया। इसलिए याचे देहि इति, और मैं देही देवी यशो देवी बलम देही रूपम देही आता है ना सरस्वती में, ये देही देही करके यदि मैं याचना करूं तो मैं आपसे याचना कर रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या याचना मांगना, जो ये सब भिक्षुक है, ये सब भिक्षुक है जो आपसे मांग रहे। इसे मैं इनसे नहीं मांगता ब्रह्मा विष्णु आदि से, मैं मांगूंगा तो तुमसे सीधे बाईपास कर दो सब भिख मंगों को। या चेते ही थी शक्र द्रुहिण हरि मुखान, शक्र मने इंद्र, द्रुहिण मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, ये है प्रमुख जिनके, ये सब क्या है भिक्षुकान, भिक्षु को हम ऐसा, मैं भी भिक्षुक हूँ और ये भी सब भिक्षुक, सिर्फ भिक्षु भिक्षुक से क्यों मांगेगा, अभी न्याय बताया। इसलिए यदि मैं मांगू देही करके तो मैं आपसे ही मांगूंगा इनसे नहीं। कट ये सब भीख मंगे क्यों हो गए भाई है, जब बड़े बड़े देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भीख मंगे कैसे कह दिया तुमने। कहते क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्मों में जो आपकी पूजा करनी थी नहीं किए थे, इसे इनको मुक्ति मिली ही नहीं, और ये जो भी किए अन्य यज्ञों को किया इस वजह से इनको पद मिला है, जो भीख मंगों के विशिष्ट पद ले, अच्छे भीख मंगों के नाम सुपर क्लास भीख मंग है। अज्ञोपि द्वादशाः कृत विकृति शतस्यांग भूतोपि चोख्यो, कहते अज्ञ होने पर ही मैं भी अज्ञानी हूं इनके जैसे ही, मैं आपसे मांग लूंगा और इनके जैसे मैं गलती नहीं करूंगा। इन्होंने क्या गलती करी है तो सुनो, द्वादशाः कृत विकृति, द्वादशाः नाम के यज्ञ विशेष होता है देवी का पूजा विशेष, उस विशेष की विकृति शतस्य अंग भूतों पे, उसके विकृति भूतान्य सब याग है, उसको सौ सौ बार भी कर लीजिए आप तो मुक्ति तो मिलने वाला नहीं। द्वादशाः क्रतु का विकृति भूत याग को सौ बार करके और उन सौ बार किए हुए का अंग भूतो पिच उक्त्यो, अंग होता है उक्ति कर्म होता है, उक्ति एक साम भी है, उसे गान किया जाता है यज्ञ के अंत में उक्त्य, जैसे ज्योतिष्ठम उक्त्य धर्मान न बिलशति, ज्योतिष्ठम आदि यज्ञों में उक्ति धर्मों को ये लोग चाहते हैं न तो, और द्वादशाः उक्ति धर्मान, और द्वादशाः में कथित तो उक्ति धर्मों को ये नहीं चाहते, और मैं वो ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, मैं आपसे याचना करूंगा तो द्वादशाः उक्ति धर्मों की याचना करूंगा अन्य धर्मों का नहीं। अजर इत्यादि फिर ब्रह्मलिंग ब्रह्मचक्राधिष्ठात्र देवता परम ब्रह्मुत्तम, देखो यहां कर बोल दिए अजरा इत्यादि शब्दों के द्वारा, ये शब्द कैसे हैं ब्रह्म के बोधक शब्द है, ब्रह्मलिंग ब्रह्मचक्र अधिष्ठात्री, इसलिए श्रीचक्र क्या है ये ब्रह्मचक्र ही है, और उसके अधिष्ठात्री देवता का मतलब यह देवी साक्षात परम ब्रह्म ही है, देवी ही ब्रह्म, ब्रह्म और देवी पर्यायवाची है, ये निश्चित शक्ति है त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा आदि शब्दों से कहा गया, ये क्या है तो शुद्ध ब्रह्म का ही स्त्रीलिंग में बोला जा रहा है। भाई एक तत्व को पुल्लिंग में बोलो, पुल्लिंग में क्या नाम है उस तत्व का, पुल्लिंग में क्या नाम है इस तत्व का आत्मा, स्त्रीलिंग में शक्ति, नपुंसकलिंग में ब्रह्म, चीज एक, ये जो लिंग भेद हुआ है वो केवल शब्दों में आपको लग रहा है शक्ति का, जैसे कोई देवी आप कल्पना कर लगते हो औरत, ये तुम्हारी कपोल कल्पना गलत, देवी कहते कोई
ऐसा रूप धाम मान लेना गलत, क्योंकि साक्षात ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न ही परास परम ब्रह्म इति उक्तम, यही इस मंत्र में कहा गया है। समझो देवता पद से विशेषता अभिप्राय आगे ना कि देवता पद प्रयोग हुआ इसलिए स्त्रीलिंग प्रयोग करना पड़ा, देवी कहना पड़ा। देवता पद का विशेषता के अभिप्राय, क्योंकि विशेषण हमेशा विशेषाधीन होता है, जैसा विशेष है जो लिंग में विशेष प्रयोग होता है उसी लिंग में विशेषण का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए स्त्रीत्व स्त्रीलिंग में प्रयोग हो गया है। अजरादिपदानाम, इसलिए अजरादिपदों में स्त्रीत्व अजरादिपदानाम, बीच विश्राम नहीं होना चाहिए, विश्राम को काट देना, इसलिए स्त्रीत्व अजरादिपदानाम। इसलिए इन्हीं पदों को क्या है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अन्य उपनिषदों में पाठ हुआ है, अतएव श्रुत्यंतरे नपुंसकत्व निर्देश अजरम है ना, वहां पर अजरम अजम इसमें नपुंसकलिंग प्रयोग हुआ, वो अज है अजर है ब्रह्म को, तो ब्रह्मन से नपुंसकलिंग था, अजो अयम आत्मा पुल्लिंग आत्मा था वो अज पुल्लिंग प्रयोग कर दिया, इसलिए अज अजरम और अजा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, अजा ही एको ये भी मंत्र में आया श्वेता सूत्र में, इसलिए अजर शब्द भी तीनों लिंग में प्रयोग होता है, अजर शब्द भी तीनों लिंग में लिंगों में होता है, अजर अजरा अजरम अजा अजा अजम। उपनिषदों में इस तरह से प्रयोग होने से ये स्पष्ट मालूम हो रहा है तत्व तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तथा जो स्पष्टम आथर्वणिका आमनंदी, इसी तरह आथर्वणिक लोग स्पष्टी कथन कर रहे हैं, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गोलोको ज्योतिषा आवृतः तस्मिन् हिरण्यमये कोशे त्रिस्रे वित्री प्रतिष्ठिते तस्मिन् तद्यक्षमात्मवत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः। अष्टाचक्रानव द्वारा, अष्टचक्र वाली और नौ द्वारों वाली है, देवानाम पुर योद्धा देवताओं का सबसे पहला पुर है ये, तस्याम हिरण में कोश स्वर्गोलोको ज्योतिषावृत, इसमें इस अष्टाचक्र नव द्वारा में एक हिरण में कोश है, हिरण में कोश क्या है वही स्वर्गलोक है, ज्योति से आवृत है, दिव्य प्रकाश से ढका हुआ, उस प्रकाश का भेदन करके आप नहीं जा पाते, देख नहीं पा रहे, पहले घोर अंधकार होता है फिर घोर प्रकाश होता है, दोनों का भेदन कर जाओगे तो सर्व गर्ग संहिता ने जो कथा की जहां अर्जुन को लेकर गए, वो जो ब्राह्मण के बच्चे मर गए ना, बनाया था बाण के पिंजर बना के उसके अंदर बच्चों को पैदा हुआ, एक के बाद मरते गए अपने ही, उसको अहंकार तो मैं बचा दूंगा, भगवान इसके अहंकार को तोड़ने के लिए लीला रची और कहा कि नहीं और सब बच्चे तुमको मिल जाएंगे चिंता मत करो, अर्जुन को बहुत दुखी हो गया अपने मरने को तैयार हो गया, कसम टूट गया उसकी तो मरने को तैयार हो तो भगवान राम को समझा के नहीं चिंता मत करो सारे बच्चे जिंदे होंगे, चलो महामाया महाराधा के पास, महाराधा के पास ले जाओ, वहां ले जाते रास्ते में बता कैसे गए वहां वर्णन आता है घोर दुखा तभी टूट जाता और भगवान की धोती पकड़ लेते ऐसे वर्णन आए, उसकी इतनी प्रकाश आता है और धोती पड़ने से काम नहीं चलेगा, भगवान के पीठ के पीछे चलेगा प्रकाश इंसान ऐसे पार करते हैं, तब जाके महाराजा कहते हैं वहां भी भगवान कहते तो शिव के सामने नहीं आना भस्म हो जाएगा, तो पीछे रह अनुमति के बिना सामने नहीं आ सकते, महाराजा बैठी है सिंहासन में भगवान हाथ जोड़ रहे हैं, अर्जुन देखते हैं हम तो सब भगवान समझे थे और ये ही हाथ जोड़ रहे हैं कौन देवी है, और बोलते हैं कृष्णा तो कौन से ब्रह्मांड से आया है, गिरजा नदी में अनंत ब्रह्मांड दिख रही है, भगवान कहते अमुक अमुक ब्रह्मांड उधर से उधर जैसा बताई वो जो ब्रह्मांड में उसमें द्वापर चल रहा वहां से मैं आया, अच्छा क्या हुआ है वहां क्या बिगड़ गया क्यों आए आप, कुछ जरूरी काम था इतने में वो झुक रहा था दिखाई दिया एक एक मानव को कहाँ से लाया तुम साथ में, भगवान कृष्ण माफी मांगते हैं वो कहते हैं ऐसा ऐसा स्थिति होगी इसलिए मैं इसको लाया, हम महामाया है
आप कहाँ रखे हैं बच्चों को, कहाँ किस लोक में कहाँ डाल दिए हैं, थोड़ा बताइए और कृपा करके दीजिए। अच्छा इतनी से बात के लिए कोई बात नहीं। हाँ आठो बच्चे ले जाओ, ऐसी कहानी आती है। घोर प्रकाश रावण, भयंकर जबरदस्त प्रकाश, ज्योतिषावृत तस्मिन हिरणमय कोशे, और हिरणमय कोश में त्रिसरे, जो कि उसको हम कहां प्रतीक बना रहे हैं, या त्रिकोण में, यंत्र में एक त्रिकोण ही है वो और कुछ नहीं। त्रि प्रतिष्ठित है, जिसमें तीन रूप में देवी प्रतिष्ठित है, शांता परा अंबा, बताया था ना अभी। तस्मिन तद यक्षम, उसमें वह यक्ष है आत्मवत, वह आत्मा के समान है। तद्वई ब्रह्म विदो विदोह, उसी को ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म करके जाते। भूपुरादि त्रिकोणांत, उसकी व्याख्या इसी मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। भूपुरादि त्रिकोणांत चक्र का चक्र अष्टकोपरी, ये अष्ट चक्रा की व्याख्या। भूपुरादि त्रिकोण पर्यंत ये अष्ट चक्र है, उसके ऊपर में नौवा है जो यह कोश हो, गर्भीकृत रूप त्रयो बिंदु रीति, जो कोश के समान कोश है, गर्भीकृत छिपा हुआ है तीन बिंदु स्वरूप त्रिकोणात्मिका, यदि यावत तस्मिन यक्षम अद्भुतम अस्ति, उसमें दिव्य पूजनीय तत्व है। वह वही पूजा के योग्य न होने से यक्ष, वही पूजा योग्यत्वात् यक्ष पद निर्देश, तत् स्वात्मनि एव ब्रह्म विदो विदुः, उसको स्वात्मा में ही अपने में ही वो जान रहे हैं, नान्येति अपने से अलग करके नहीं देखते हैं। इति सेतुबंधे विस्तरा, सेतुबंध इनकी टीका है वामेश्वर वामकेश्वर तंत्र में, नामक भास्कर राय की टीका उस टीका में बात कही गई है। विस्तार प्रणव आप देख लीजिए वहां श्लोकों को। एवं बिंदु चक्र मुक्त, इस तरह से बिंदुमय चक्र का कथन करके आप त्रिकोण और वसुकोण चक्र द्वय समष्टि रूपम, त्रिकोण और वसुकोण मैंने अष्टकोण, ये चक्र द्वय को का समष्टि रूप को नवयोन्यात्मकम, जिसको नवयोनि रूपेण चक्र उपदेष्टुम द्वितीयां चम्माह, उसको उपदेश देने के लिए दूसरी दिशा आरंभ होती है। नवयोनिर्नव चक्राणि दीधिरे नवैव योगा नवयोगिनीश्च, नवानां चक्रे अधिनाता स्योना नवमुद्रा नवभद्रा महीनां। नवयोनि नवयोनिर्दीतिर एकमेव अद्वितीय, जो पराशक्ति त्रिपुरा नवयोनियों के रूप में प्रकाशित हो गए, वह एक हो तो भी नवयोनि के रूप में प्रकाशित हो, और प्रकाशित होते हुए कहां स्थित है, नव चक्राणी दीतिर, नव चक्रों के रूप में भी वह प्रकाशित हो, जिसके लिए नवयोगा नव रेखाओं के द्वारा निर्माण किया गया, और नव योगिनीश्च और उनके अधिष्ठान आदि पालन करने के लिए नव योगिनियों की भी कल्पना, नव योगिनियों की भी कल्पना की गई है, माने वही एकमेव अद्वितीय देवी नव योगिनी बन जा, नव योनि रूप से नव चक्रों में प्रकाशित होता हुआ नव रेखाओं के माध्यम से बनाई गई, ये नव रेखा थी ना वहां पर भी, तीन ऊपर तीन चले और बीच दो और एक तीन, नौ रेखाएं लिखी जाती तब षडयंत्र बनता, उसको नवैव योगा कर दिया, नव योगिनिश्च नवानां चक्रे, इस प्रकार से नव नव भाग में विभक्त करता हुआ उन सब के अधिनाता स्वामिनी भी कितने हैं, नौ, वह सब कैसे हैं, स्योना सुख प्रदा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, नव मुद्रा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नव मुद्राएं प्रयोग होती है, नव भद्रा और नौ प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग होता है, महीनाम मन पूज्यानाम। तीसरा पुर, तीन पुर का कथा हुई और वही तीन पुरों को अब नव योनिर्दी धीरे एकम भी बिंदु चक्रम त्रयात्मक, एक भी एक ही है वो बिंदु चक्र, लेकिन उसको आपने त्रयात्मक माना, और देवी भी त्रयात्मक है, तीन किया कितना हो जाएगा, नौ,
प्रत्येक को शांता परा और अंबा, दूसरे को भी शांता परा अंबा, तीसरे को भी शांता परा अंबा, नौ हो जाए। किसको लेकर क्या बन रहा है किसमें वर्णन करने जा रहे, पहले बता रहे धीरे धीरे कैसे बना। पहले बिंदु चक्रम एकम बिंदु चक्रम त्रयात्मकत्वात् प्रत्येकम रूपत्रयम् धरेत्, त्रयात्मक होने से और प्रत्येक इसलिए क्या हो गया तीन तीन रूप धारण कर गया, कुल मिला के नव योनि हो गए। दीधिं दीप्ति देवने वैदिक धातु ही है, लोक में व्यवहार प्रयोग होता है धातु नहीं होता है, पाघ्रात वैत्य धातु सूत्र में वर्णन किया गया है। यदि छांदस धातु रिदम रूपम, छांदस धातु का रूप है, पाघ्रात मा दीधिंग वेविंग वहां पर है, दोनों धातु है दीधिंग और वेविंग, ये दोनों ही छांदस धातु है। दीपनम मैंने प्रकाशन इत्यर्थ, फलतः उत्पादन में विवक्षित अर्थ, फलत अर्थ क्या लेना है, इस रूप से नौ रूपेण वो उत्पन्न हो गई, प्रकट हो गई, प्रकाशित हो गया का मतलब क्या, नव आकार को प्राप्त हो गई। शांतत्वच्छेदेन इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तीसरो देवता उत्पादन आगे ना, शांता जो थी शांतत्वच्छेद से वह शक्ति इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति थी, तीसरो देवता उपादन था उपाधा, तीन देवता रूप धारण कर ली। और अंबिका तवच्छेदेन ब्रह्म विष्णु रुद्रान स्त्री रूपान, अंबिका तवच्छेदेन ब्रह्म विष्णु रुद्र, ब्रह्म विष्णु रुद्र पुरुष रूप है उसको स्त्री रूप ले लो, उनका स्त्री रूप क्या है वामा ज्येष्ठा रौद्री शक्ति नामक नामकान अजनयत, वामा ज्येष्ठा और रौद्री शक्ति नाम से उत्पन्न कर लिए। और परत्तावच्छेदेन पश्यंती मध्यमा वैखरी इति वाग देवता अजनदित्यर्था, ये नवयोनि अर्थ। सा पर देवता एव एनम त्रिपुराम अधिष्ठाय, वही पर देवता इस त्रिपुर को अधिष्ठित करके नवयोनि चक्रे इति वा अन्वय, नवयोनि के रूप का निर्माण किया ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं। एता नव देवता एव नवयोनि चक्रात्मना परिणता, इसे यही नव देवता नव योनि चक्र रूप में परिणाम परिणत हो गई है ऐसे समझो। तो वासना ध्वनि ये कोई ग्रंथ विशेष में है माने सूक्ष्म कथन, वासना ध्वनि का मतलब है सूक्ष्म कथन रहस्य यहाँ प्रकट होता है। किंच त्रैलोक्य मोहन आदिनी इतनी त्रैलोक्य मोहन चक्र उसका भी मानी त्रैलोक्य मोहिनी देवी ऐसा वर्णन हुआ ना हर एक चक्र का, इसे त्रैलोक्य मोहन आदिनी नव चक्राणि जात जनिष्यमानानि उत्पन्न है या आप उत्पन्न कर रहे हैं उन सभी का संस्कार आत्मना नव योनिष्वेव संति, संस्कार रूपेण और सारी चीजें नव योनियों में छिपी पड़ी हुई हैं। तदेतदा इसी बात को संकेत करते हुए कहा नव चक्राणि कर्त्रिणी नव योनिर दीदिरे, जो नव चक्र को निर्माण किया जाने वाला है उन सबको इन नव योनियों ने अपने अंदर प्रकाशित कर छिपा के रखा हुआ है। शक्ति त्रिकोण द्वय वन्नि त्रिकोण के नहीं नव योनि चक्र निष्पत्ति, शक्ति त्रिकोण द्वय और वन्नि त्रिकोण एक ही नव योनि चक्र निष्पत्ति, उन्हीं के द्वारा नव योनियों का चक्रों का निष्पत्ति होती है। शक्ति त्रिकोण द्वय और वन्नि त्रिकोण एक, कुल तीन त्रिकोण हो गए ना, तीन त्रिकोण के द्वारा नव योनि चक्र निष्पन्न हो जाता है। प्रति त्रिकोण तीसरो रेखा है ना, प्रत्येक त्रिकोण में तीन तीन रेखा हो गई और तीन त्रिकोण मतलब नौ रेखा हो गई कि नहीं हो गई। इति नवानाम रेखानाम योगा इति कोण रूपा नवय एव, रेखा का लगाने का मतलब क्या तो योग बनाया ने जोड़ दिया और कोण रूप बना दिया, त्रिकोण रूप धारण करा दिया, अतएव नवय योगा एक तेना नव योगिनी दिग्दे, और उसके द्वारा अब नव योगिनियों के रूप में वह एकमेव अद्वितीय देवी प्रकाशित होने लगी। नव चक्राणाम यह सत्वादेव, नव चक्रों का यहाँ पर होने के कारण से ही तत्रत्य प्रकटादि योगिनी नवकमपि कोणात्मना यही वतिष्ठति इति भाव, कहने का नव चक्र रूपेण यहाँ इस एक शरीर चक्र के अंतर्गत नव चक्र रूप में यहाँ होने के कारण से ही उनमें रहने वाले प्रकटादि योगिनियां गिनाए था ना ऊपर 28 वगैरह गिना करके 108 कुछ गिनाया था टोटल नौ चक्रों में, अलग अलग गिनती की थी ना, पहले वाले प्रकटराज योगी 28 थी शायद, वो
फिर क्या शायद 16 याद नहीं क्या क्रम था वहां 28 16 8 या तो ठीक बोला मैंने 14 14 10 10 8 3 1 ये पृष्ठ 23 22 23 में आई थी प्रकट नवी योगिनी इसी मंत्र की व्याख्या में प्रकट आदि योगिनिया प्रकट योगिनी गुप्त योगिनी गुप्तर योगिनी संप्रदाय योगिनी कुलोत्तीर्ण योगिनी निगर्भ योगिनी रहस्य योगिनी रहस्यतर योगिनी परापर रहस्य योगिनी करके ये 9 है उन एक एक ग्रुप में भी एक किसी में 28 16 8 14 10 10 8 3 1 कुल 98 था वो 108 नहीं कुल 98 था वहां बताए तो सारे एक एक का भी विस्तार हर देवियों का नाम दी गई थी वहां पृष्ठ 22 23 देख लो देश काल अनवच्छिन्न तदूर्धम परमम महा इत्यादि व्यवहाराद देशाद्यवच्छिन्नो बिंदु चक्रादि प्रपंचो ब्रह्मणो अधो अधस्तिष्ठति इति लभ्यते। और दूसरी बात बहुत सुंदर बात है कह रहे देश काल से अनवच्छिन्न जो है वह इस चक्र से परे है ये चक्र के अंतर्गत नहीं वो तद ऊर्ध्वम परमम महा परम पूज्य इत्यादि वचन व्यवहार से ये निश्चय होता है देशादि से अवच्छिन्न जो है वो बिंदु चक्रादि प्रपंच है ठीक है। अतएव ब्रह्मणो अधो अधतिष्ठति ब्रह्म के नीचे ही ये सारी चीजें नीचे नीचे में ही ये सारा बिंदु चक्र त्रिकोण सारे चक्र श्री चक्र पूरी की पूरी उसके नीचे ही है इति लभ्यते। एतन् मूलकैव श्री चक्रस्य मेरु प्रस्तारोपि इसी को मूल मान करके श्री चक्र का मेरु प्रस्तार की व्याख्या की गई है तेन एकस्मिन् चक्रे भूपुरादि बिंदवंता इसलिए इस एक चक्र में भूपुर से लेकर बिंदु पर्यंत जितने भी है ऊपरी ऊपरी नवभूमिका ऊपर ऊपर में नवभूमिकाएं तासाम अधिपतिओपि उनकी जो अधिपतियां हैं वो त्रिपुरा चक्रेश्वरी आदि नाम से जो कहे जाने वाले त्रिपुरा चक्रेश्वरी आदि नामानो वो भी नवैव तापि नवयोनिश्च एव वे भी नवयोनियों में ही सूक्ष्म रूपेण क्रमेण तिष्ठन्ति इत्याह उसी को मन में रखकर वहां मंत्र में कहा था चक्रे नवानाम महीनाम अधिनाथा इति कर्त्रियो नवयोनिर दीदरे इति च ये वो नौ जो महीनाम पूज्यों का जो अधिनाथ है स्वामी है वे भी नौ बंद बना देती हैं और नवयोनि दीदरे व कर्त्री स्वयं नव देवियों के रूप में हो जाती है नवयोनिर दीदरे स्योना और एक कैसी है सारी की सारी कहते स्योना चक्रेश्वरी विशेषणाम ये चक्रेश्वरी का ही विशेषण है सुख हेतु भूता सुख का कारण ही भूता वह महापरा देवी इस रूप को धारण करी हुई है। नव मुद्रा संक्षोभण्यादि संक्षोभण्यादि योन्यंता अपि यही वसिता संक्षोभणी मुद्रा आदि नौ मुद्राएं वहीं पर आए तो वर्णन नौ मुद्राएं और दसवीं अलग भी वर्णन की थी जो परादेवता के लिए नवभद्रास्तु तंत्रे विवृता और नवभद्राएं भी तंत्र ग्रंथों में विस्तृत रूप में कथन किया है क्या है वो नव भद्र धर्मा धर्मो तथा आत्मानो मातृमेये तथा प्रमा इति देखो कितनी भेद माननी पड़ती है जिसका वेदांत खंडन करता है उसको मानना पड़ता है सबसे पहले पुण्य और पाप उसकी व्याख्या स्वयं आगे कर रहे पुण्यम पापम दो हो गया धर्माधर्म की व्याख्या आत्माएं कितनी है चार आत्मा एक को केवल आत्मा नाम से कह रहे हैं दूसरी अंतरात्मा तीसरी परमात्मा चौथी ज्ञान आत्मा क्या है ये पहले वाले आत्मा का मतलब है जीवात्मा अंतरात्मा का मतलब है सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ जिसको अंतर्यामी भी कहते हैं और परमात्मा मतलब है ईश्वर और अज्ञानात्मा ने शुद्ध ब्रह्म उसके अलावा एक प्रमाता है आपके पास प्रमेय है मातृ मैंने प्रमाता मेय मैंने प्रमेय और प्रमा प्रमाता और जीव में अंतर क्या जीवात्मा में प्रमात्मा और जीवात्मा अंतर समझो जीवात्मा हो गया अविद्यावचिन चैतन्य और प्रमात्मा हो गया अहंकार अवचिन चैतन्य माया नहीं अहंकार से विशिष्ट वो प्रमाता होता है मैं जाना अहंकार से विशिष्ट होने पर ही प्रमातृत्व आता है और जीवत्व फिर अविद्या से विशिष्ट होने से हो जाता है ये अंतर समझो दोनों इसलिए तो आत्मा प्रमाता एक हो जाएगा। आत्मचतुष्टय स्वरूप विवरणम आत्मचतुष्टय
आपको चार बताने नहीं है, आत्मा अंतरात्मा जो है परमात्मा और ज्ञानात्मा करके, इसका असली स्वरूप को समझना है आप आत्मोपनिषद द्रष्टव्यम, आत्मोपनिषद नामक ग्रंथ है उसको पढ़ो। सर चार तो आत्माएं हो गई, पुण्य और पाप दो हो गया, ये छह हो गया, प्रमाता प्रमेय ये तीन हो गए, नौ हो गए, प्रमाता प्रमेय और प्रमा, प्रमाता प्रमेय और प्रमा। चक्रम नवात्तकम इदम नवधा भिन्न मंत्रगम इति उपब्रह्मण दर्शना, इतने अन्यत्र वर्णन किया है उपब्रह्मण है, अन्यत्र वर्णन देखने को मिलता है प्रमाण। चक्रम नवात्तकम इदम, ये नवात्तक चक्र को नवधा भिन्न मंत्रगम, नौ प्रकार के भेद के से जो माना जाता है वह मंत्रमय चक्र है। भद्रपदेण मंत्रा या वा ग्राया, अतः भद्रप से सीधा मंत्र को ग्रहण कर लो, देव नव चक्रेश्वरी मंत्रा इत के। और वो कौन है, वो जो है नव चक्रेश्वरिया है, जो उन देवियों का मंत्र को ही श्री चक्र का मंत्र मान लिया। सानिध्यात मुद्रा मंत्र ये वैसे उत्तम, सानिध्य से मुद्रा को मंत्र कर दिया, कहीं भद्रा को मंत्र कर दिया। बिंदु त्रिकोण वसुकोणात्मक चक्र त्रय रूपे, बिंदु त्रिकोण और वसुकोण आत्मक ये जो चक्र त्रय रूप है, ये तीनों संहार चक्र में आता है, नौ है ना, तीन संहार चक्र में, तीन स्थिति चक्र में और तीन सृष्टि चक्र में, सृष्टि स्थिति और संहार, संहार तो लय होता है। संहार चक्र एवं सर्वम श्री चक्रम सूक्ष्म रूपेण तिष्ठति इति पिंडितो होता, इस पर संपूर्ण श्री चक्र ही इसमें स्थित है, यह अत्यंत संपिंडित रहस्यपूर्ण अर्थ है। आपातकालिक संक्षिप्त पूजा प्रकार इनके कि आपातकालिक है, ये आपातकाल में क्या पूर्ण विधि आप नहीं कर सकते, 64 उपचार चतुर की बात पूर्ण विधि से भी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो संक्षिप्त पूजा करना पड़ता है। तो आपातकालिक संक्षिप्त पूजा प्रकार वसुकोण आदि बिन्वंत मात्र पूजा विधि, वसुकोण से लेकर इसलिए क्या करते हैं कि ऊपर का तीन ही चक्र का उपा, नौ चक्र पूरे नहीं होता, ऊपर के तीन चक्र की पूजा होती, छह का नहीं करते। पूजा विधि यस तंत्रिषु उपलब्धते तत्र यम्येव श्रुतिर्मूल, उसमें यही श्रुति ये दो मंत्र मिला करके ही प्रमाण है। अत्र सर्वत्र उपनिषदानि, इस विषय में जितनी भी हम श्लोक दें, अनेकों ग्रंथ तंत्र शास्त्र के अनेकों श्लोक हम उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन तंत्र पुराण वाचनानि तो विस्तार भयात न लिखते, उन श्लोकों को हम यहाँ संग्रह करके नहीं दे रहे हैं, विस्तार का भय से हम उनको नहीं देंगे, आप उन्हें तंत्र ग्रंथों पढ़ के समझ लेना चाहिए।